नेक्स्ट हमारा है फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखिए, जब हमें मैनेजर्स को हेल्प करनी है डिसीजन मेकिंग में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा वेरियस सोर्सेज से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वहाँ से, और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनल सोर्सेज में जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आ गया, एक्सटर्नल सोर्सेज में जैसे कि जो ट्रेड जर्नल है, बिजनेस मैगजीन्स है, गवर्नमेंट के जो हमारी पॉलिसीज आ रही है वो किस तरीके की है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट या जो मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए हमें जो है डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। अब देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एज इट इज़ मैनेजर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हमें मॉडिफाई फॉर्म में देना पड़ता है ताकि डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प हो पाए। आप देखिए, कोई अगर डाटा सेल से रिलेटेड है तो उसको हमें किस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल जो है ये इससे रिलेट कर रही है, कौन से एरिया में सेल की जाती है, कस्टमर जो है वो कौन से है, तो इस तरीके से हमें उस डाटा को सिंप्लीफाई मॉडिफाई करके जो है प्रेजेंट करना होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने आप में इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन की दे देती है, लेकिन फिर भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी मींस करंट रेशो क्या है, लिक्विड रेशो क्या है, क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में सक्षम है कि नहीं है, तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज और इंटरप्रिट भी करना पड़ता है, ये भी इसके फंक्शंस में आता है। यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, बल्कि जितनी क्वांटिटेटिव हेल्प करती है उतना ही क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स को हेल्प करती है। अब जैसे यहाँ पर हम अगर एग्जांपल ले कि अगर हमने एक प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट के लिए क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन उस बजट को हैंडल कौन कर रहा है, उसके पर्सनल व्यू कैसे है, कंज्यूमर का आपने सर्वे किया है कि नहीं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें चेंज हुआ है कि नहीं, ये सभी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होते हुए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग। अब देखिए, प्लानिंग जो है वो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर को प्लानिंग करने में हेल्प जो है वो करती है। जहाँ से हमें जो भी डाटा मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको हेल्प लेकर के जो मैनेजर है वो प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है कि हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि उनको प्लानिंग करने में हेल्प हो। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन आप सभी समझते हैं, इसमें क्या किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होता है कि ड्यूटी किसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटीज़ क्या है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हर पर्सन को जब ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर दी है तो उसको देखा जाएगा, उसको काम क्या दिया गया था, उसने क्या किया है, और उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र जो है किया जा सकता है। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। एक फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आप सभी ने मास्टर बजट सुना होगा। आप देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल बजट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट या मैनेजर्स का जो है होता है। तो वो मास्टर बजट के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। वहाँ पर हर डिपार्टमेंट का जो है बजट दिखाया जाता है और पता भी चल जाता है कि किस जो है डिपार्टमेंट ने काम अपना ठीक से किया है, किस डिपार्टमेंट ने काम ठीक से नहीं किया है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन मोटिवेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मोटिवेशन में भी हेल्प करती है। मोटिवेशन में कैसे हेल्प करती है कि यहाँ पर हमने टारगेट जो है दे दिए हैं एम्प्लॉयज़ को, और उन टारगेट को वो अचीव करते हैं। अगर वो अचीव करते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो इससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन है उस अप टू डेट उनसे कराते रहे। इसके लिए टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो टाइमली जो है डिसीजन मेकिंग और प्रॉपर डिसीजन वो ले पाए। नेक्स्ट है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग। हेल्प इन कंट्रोलिंग, कैसे वो हेल्प करेंगे कंट्रोलिंग में, इसके लिए वो बजट जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसको यूज़ करते हैं। बजट में बजट बनाते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड फिक्स करके और एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है मेज़र किया जाता है। अगर वेरिएंस है तो उसके लिए उनको जो है कहा जाता है कि ये वेरिएंस किस तरीके से है, और उस वेरिएंस को दूर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
आप देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो यही है कि इस तरीके से डिसीज़न लिया जाए कि मैनेजर जो है बिजनेस को बहुत आगे फ्यूचर में बहुत प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पर इसीलिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये डिसीज़न मेकिंग करते टाइम डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, कौन सा बेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है जिसको वो यूज़ करे अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट मिक्स की इन्होंने बात की है, प्रोडक्ट मिक्स में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किस में हमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। डिविडेंड पॉलिसी में हम ये डिसाइड कर सकता है मैनेजर कि जो प्रॉफिट हुआ है वो सारा क्या डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए, या फिर उसमें से कुछ जो है हमें बिजनेस के फ्यूचर के लिए भी संभालना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों आया ये? क्योंकि देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो जो भी ड्रॉबैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के थे वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी शामिल हो जाएंगी। तो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि उन पे बेस्ड है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड सब्जेक्ट। अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप आपने देखा, बहुत सारे जो है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है। अब देखिए जो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिस व्यक्ति को उन सभी रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज है वो ठीक से डिसीजन ले पाएगा, जिसको नहीं है वो तो ठीक से डिसीज़न जो है वो नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से एक जो यहाँ पर कमी रह जाती है वो रह जाती है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इफेक्टेड बाय पर्सनल व्यू। अब देखिए जब भी कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, चाहे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी डाटा हमारे पास हो, तो भी व्यक्ति जब डिसीज़न लेता है तो उसको रिपोर्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को हर कोई का अपने तरीके से जो है यूज़ करता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन रहती है। इफ़ेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट। अब देखिए जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यूज़ की मैनेजर ने डिसीज़न लेने के लिए, वो हिस्टोरिकल बेस उनका होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड रखता है, तो और जो डिसीज़न लिया जा रहा है वो फ्यूचर के लिए जा रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास चेंजेस जो है वो हो जाए और जो डिसीज़न जो है वो इतना हमें सूट ना करे। नेक्स्ट है कॉस्टली सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कॉस्टली सिस्टम है क्योंकि अगर इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें यूज़ करना पड़ता है तो इसके रूल रेगुलेशन एक डिपार्टमेंट सेट करने में काफ़ी खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्टेज। अभी ये इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, अभी इसको बहुत डेवलप होने में टाइम लगने वाला है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। अब देखिए कोई भी नई चीज़ जो है उसको ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये सोचा जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें अपने बिजनेस में यूज़ करना है, उसके रूल रेगुलेशन हमें यूज़ करने हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको विरोध करने लगते हैं, उसको रेसिस्ट करने लगते हैं, वो उसको यूज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, उनको ये लगता है कि अब हमारे में कमियाँ देखी जाएंगी। नेक्स्ट है नॉट एन अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट। ये भी एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये डिसीज़न लेकर के नहीं देता, डिसीज़न मैनेजर्स को लेना होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि डिसीज़न तो फिर भी अल्टीमेटली मैनेजर्स ने लेना है। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। इसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है क्योंकि आपने खुद देखा कि कितना सब्जेक्ट मैटर इसके अंतर्गत जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट है, सभी व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट हो, किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना एक अलग बात है, और सभी व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट हो पाए वो बहुत ही रेयर जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड डिसीज़न मेकिंग टूल्स जो है यूज़ करता है डिसीज़न मेकिंग के लिए, लेकिन फिर भी कुछ भी हो हम लोग इंडिया वाले तो इंट्यूशन के बिना तो काम करते ही नहीं, जो भी हमारे पास है उसको हम अपने इंट्यूशन से जो है यूज़ करते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, आगे फिर हम बाद में करेंगे।